स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर के पार्ट दो को पढ़ेंगे। पार्ट दो में प्रेरक प्रसंग है। प्रेरक प्रसंग यानी लघु कथाएं, छोटी छोटी लघु कथाएं इसमें ज्वाइंट करके यानी जोड़ कर प्रेरक प्रसंग का शीर्षक दिया गया है। आज हम इस प्रेरक प्रसंग में आए लघु कथाओं के द्वारा उन महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से आपको अवगत कराएंगे जो सामान्य जन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। प्रस्तुत पाठ में महाराजा रंजीत सिंह के जीवन के दो प्रसंग उनकी सेवा भाव, उदारता एवं क्षमाशीलता को बताते हैं। वहीं महात्मा गांधी के प्रसंग से हमें दूसरों के सुख दुख को अपना समझने एवं गरीबों से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। संत तिरुवल्लुवर के प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी से छोटी चीज को भी व्यर्थ न जाने दे। श्री कृष्ण के जीवन की घटना सेवा भाव के महत्व को दर्शाती है। तो आइए सबसे पहले हम महाराजा रंजीत सिंह के सेवा भाव को बताते हैं। एक समय की बात है जब महाराजा रंजीत सिंह अपने राज्य में सुख शांति के साथ रहते थे और उनकी सारी प्रजा सुखी थी। फिर भी वो सोचते थे कि एक बार हम खुद से अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए बाहर निकले, घूमे। यही सोचकर महाराजा रंजीत सिंह अकेले ही वेश बदलकर देखने के लिए निकले कि हमारी प्रजा कैसी है, खुशहाल है या उसे कोई कष्ट तो नहीं, उसे कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखने के लिए निकलने पर उन्होंने देखा रास्ते के किनारे एक तरफ एक बुजुर्ग बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था और उसके सामने ही कोई भारी वस्तु रखी हुई थी थैली में। उस थैली को वो न ले जा सकने के कारण ही वहां पे बैठ गया था। महाराजा रंजीत सिंह के पूछने पर उस बुजुर्ग ने बताया कि ये थैला बहुत वजनी है जो हमसे नहीं उठ पा रहा है, इस कारण से हम यहाँ पे बैठे हैं। महाराजा रंजीत सिंह उस समय बिना किसी संकोच के उस थैले को बुजुर्ग व्यक्ति के घर के पास ले जाकर पहुंचा आए और उन्होंने बुजुर्ग ने उन्हें धन्यवाद कहा। तो ये महाराजा रंजीत सिंह का भी एक स्वभाव था, सेवा भाव का स्वभाव, जो उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक राजा हूँ और मैं कैसे ये छोटा सा काम कर सकता हूँ। अब उनकी ही जीवन की एक दूसरी घटना है जिसको हम प्रेरक प्रसंग में इनाम का नाम दिए हैं। एक बार वो अपने कुछ आदमियों के साथ बागीचे में टहल रहे थे। बागीचे में टहलते हुए अचानक न जाने कहीं से एक पत्थर आके उनके सर पे लगा। उनके सिर पे लगने से उनका सिर फूट गया और वहां से रक्त की धारा बह निकली। उनके साथ आए हुए आदमी ने दौड़कर उसको पकड़ लिया जिसने एक पत्थर को चलाया था। उस पत्थर को चलाने वाला और कोई नहीं, एक छोटा सा बालक था। वो डर के मारे उनके सामने आकर हाजिर हुआ। महाराजा रंजीत सिंह ने उसके पत्थर चलाने का कारण पूछा तो डरते हुए बालक ने जवाब दिया कि महाराज, मैं पत्थर आपको मारने के उद्देश्य से मैंने नहीं चलाया था, ये पत्थर मैंने आम तोड़ने के लिए चलाया था, मैं भूखा हूं। महाराजा रंजीत सिंह ने उसी समय उस बालक को कुछ पैसे इनाम में भी दिए और उसको फल भी दिए खाने के लिए और उन अपने आदमियों को कहा कि इस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाए। हम आपको महात्मा गांधी के जीवन से एक छोटी सी घटना को बताते हैं। उनसे मिलने एक बार एक बालक गया। मिलने के दौरान ही बालक ने सवाल किया, गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, आप हमेशा नग्न क्यों रहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, बेटे सिर्फ मेरे कुर्ता पहनने से नहीं होगा, हम उन 40 करोड़ जनता के लिए भी कुर्ता कहाँ से लाएंगे। जब तक वो भूखे हैं, उनको कोई चीज़ की कमी है, खाने पीने का दिक्कत है, उनको सही से पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, शरीर पे कुर्ता नहीं है, तो हम एक अकेले कुर्ता पहन के क्या करेंगे, इसलिए हम कुर्ता नहीं पहनते हैं, इसलिए हम नग्न रहते हैं। तो ये भाव जो है ये हमें ये दिखाता है, ये सिखाता है कि गांधी जी दूसरों के दुख सुख को अपना समझते थे और गरीबों से जुड़ने की प्रेरणा देते थे। उनका प्रसंग हमें यही बताता है। अब आते हैं संत तिरुवल्लुवर के बारे में। संत तिरुवल्लुवर के जीवन की एक घटना से को बताकर हम
आपको उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में बताते हैं। वो जब भी खाना खाने बैठते थे तो अपनी पत्नी को कहते थे कि एक कटोरी में पानी और एक सुई लाकर देने को, और उसे वो अपने भोजन की थाली के बगल में रखवा कर फिर खाना खाते थे। रोज दिन का यही नियम था, लेकिन इस रहस्य को उसकी पत्नी कभी जान न पाई कि क्यों ये एक कटोरी में पानी और सुई रखवाते हैं। जब उनकी पत्नी का अंत समय आ गया तो उन्होंने रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासावश अपने पति से सवाल किया और कहा कि आप ये रहस्य को हमें बताइए कि आप प्रतिदिन खाना खाने के समय, भोजन के समय क्यों एक कटोरी पानी और सुई अपने भोजन के समक्ष रखवाते थे। तब संत तिरुवल्लुवर ने कहा, उस सुई के रखवाने का ये काम था कि अगर खाते वक्त कोई भी अन्न का एक दाना नीचे गिर जाए तो मैं उस सुई से उठाकर और उस कटोरी के पानी से साफ करके धोकर फिर से खा सकूं। किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी व्यर्थम क्यों जाने दे। तो ऐसे महान थे संत तिरुवल्लुवर। श्री कृष्ण के सेवा सत्कार के भाव को भी यहाँ पर प्रेरक प्रसंग में बताया गया है। एक बार अर्जुन राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ में सारे जो भी थे, बड़े बड़े पद या छोटे पद वाले, सबको उनका काम सौंप दिया गया था, किंतु श्री कृष्ण को आने में देर हो गई, इस कारण से उन्हें कोई भी कार्य न मिल सका। बाद में आने पर जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि सबको सारा काम दे दिया गया है, अब तो कोई काम भी नहीं बचा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं सारे अतिथियों का सेवा सत्कार का जिम्मा लेता हूँ। और उन्होंने सभी अतिथियों के सेवा सत्कार के तौर पे उनके पांव धोने के कार्य को अपने जिम्मे लिया। तो इनका जो काम था वो जीवन की इस घटना सेवा भाव के महत्व को दर्शाती है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत बड़ा या बहुत छोटा होना ही जरूरी नहीं होता है, हृदय में सेवा की भाव होना चाहिए। आपको प्रेरक प्रसंग के इस लघु कथा यानी छोटी छोटी कथाओं से ये प्रेरणा मिली होगी। प्रेरक मतलब जो प्रेरणा देती है, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। तो प्रेरक प्रसंग के द्वारा हम छोटी छोटी कहानियों को आपके समक्ष रखकर ये बताए हैं कि हमें अपने महापुरुषों के जीवन की घटनाओं से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए।